नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं और आपको सभी को जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको पता है कि हमारे पास जो है ये ट्रैक्टर माउंटेड जो है ये हमने कंबाइन यहां पे ली हुई है हमारे 5210 के ऊपर। तो इसका एक आज वीडियो बनाने का एक छोटा सा आज एक मकसद ये है, आपको एक दिखाना है कि इसका जो इस मशीन का जो मोटर होती है पीटीओ मोटर पीछे वाली जो होती है जहाँ पे पीटीओ ट्रैक्टर का जो पीटीओ है हम उसे एंगेज करते हैं और पूरी मशीन जो है वो पीटीओ के आधारित यहाँ पे चलती है इस मशीन के ऊपर। तो वो जो पीटीओ मोटर है वो हमने यहाँ पे खोल के रखी हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ये पूरा इसका एक डिसेंबल कर दिया है यहाँ पर, और ये भी आप उसके पार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, तो इसको खोलने का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑयल लीकेज है वो यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है। इसमें आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे जो हमारा पीटीओ जो शाफ्ट यहाँ से लगता है जो ट्रैक्टर के ऊपर जो कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे जब हम इसमें जब ऑयल हम डाल रहे हैं तो यहाँ से जो है यहाँ से उसका ऑयल जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। आप पूरा ये देख सकते हैं कि ये ऑयल से पूरा यहाँ पे भर चुका है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए जो है इसे हमने खोल के रखा हुआ है। तो अभी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये दोनों तरफ से खुलता है, एक यहाँ से खुलता है और एक यहाँ से। आपको ये वाली जो शाफ्ट है ये लंबी वाली, तो ये आपको बाहर निकालने के लिए जो है वो आपको यहाँ से जो है इसको खोलना पड़ेगा, तभी जाके वो बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ जो है यहाँ पे ये बेरिंग जो है वो यहाँ पे बैठती है। अब वो बेरिंग कितने नंबर की है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये है हमारी वो पीटीओ शाफ्ट और इसके ऊपर जो बेरिंग लगी हुई है मैं उस बेरिंग का नंबर आपको दिखा देता हूँ, ताकि जब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप बेरिंग नंबर के साथ आप देख पाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे 32209 की जो है ये ऊपर की बेरिंग है, ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं 32209 की ऊपर की बेरिंग है, और इसके आप पीछे जो देख पा रहे हैं बेरिंग वो है 32208 की है। 32208 की ये नीचे की है और ये 32209 की ऊपर की है। तो ये बेरिंग इस नंबर की जो है वो इसमें लगती है। और अभी इसका ऑयल लीकेज होने का जो प्रॉब्लम है वो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बेरिंग का जो एक यहाँ पे कोन लगा हुआ है तो इसके ऊपर यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये यहाँ पे एक वाइसर है जो मैंने पकड़ रखा है, ये वाइसर है और उस वाइसर के अंदर जो है एक स्प्रिंग होती है। अगर मैं आपको वो स्प्रिंग दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए, ये निकाल के आपको मैं स्प्रिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वो जो है स्प्रिंग होती है जो हमारे वाइसर को जो है वो एक सपोर्ट जो है वो देती है। तो ये इस तरह की जो है यहाँ पे स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो इस वाइसर सीट के अंदर आ रहा है, शायद ये कुछ झटका लगने के कारण जो है वो लीकेज हो गई है। तो इसको जो है हमने ये खोल के पूरा यहाँ पे अभी हम यहाँ रिपेयर करने वाले हैं, और रिपेयर करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम इसमें जो है वो सॉल्व होती है या नहीं, और किस चीज़ में प्रॉब्लम थी वो मैं आपको अगली वीडियो में जो है वो आपको मैं दिखा दूँगा। तो इस तरह से इसको खोलना है, बस इसमें जो है बेरिंग वगैरह जो है वो मैंने आपको उस नंबर की बता दिए कि इसमें बेरिंग कौन सी लगती है। तो जब कभी कि अगर आपको बेरिंग देखना है तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो से ही देख पाएंगे कि इसके अंदर जो है वो बेरिंग कौन सी लगती है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, आगे चल के मैं ये जो प्रॉब्लम के लिए हमने जो खोला इसे तो ये सॉल्व हुआ या नहीं मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।